हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है क्लोज टू राइट नाउ 4 PM। 4 PM यहाँ मस्त जबरदस्त, मतलब कूल कूल पूरा लग रहा है यूरोप की तरह। सो अभी मैं निकल चुका हूँ टू सेल द टेस्ला। फाइनली BMW शोरूम वालों को मैंने टास्क दे दिया था कि आप मेरा गाड़ी को बेच दो, आई विल इमीडिएटली टेक दें 1000। अगर नहीं बेच पाते तो अभी उनका फ़ोन आ गया कि सोम भाई आके आप अपना गाड़ी का पेपर वर्क साइन कर लो, कार इज़ बीन सोल्ड, आप अपना बाइक का बिलिंग का साइन करके निकल जाओ। सब चलते हैं, साफ नहीं था तो लोग करेंगे टेस्ला ग्रुप में। यहाँ बहुत लोग हैं, किसी एक को पकड़ा देंगे भाई ले ले तेरे लिए ये गिफ्ट है। सो अपना टेस्ला का लास्ट डे टुडे, लास्ट ड्राइव। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन बाय, मनी कैन बाय, वन ऑफ द बेस्ट कार्स। मतलब ये BMW ये फिर सारे एक तरफ और टेस्ला इज एक तरफ, मतलब प्राइस में दिस इज़ दी बेस्ट कार टू हैव। चल खुल जा बॉस। तो भाई लोग, अपना लास्ट राइड इन माय टेस्ला मॉडल 3 लॉन्ग रेंज, एंड मैं वहाँ पे आधा बोल के ही निकल गया। सो बेसिकली आई कंसिडर टेस्ला एज वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। सो अगर आपके पास पैसा है एंड इफ़ यू नीड द लग्जरी, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। BMW, Porsche, Mercedes आप ले सकते हो, बट ये मैं ये सारा गाड़ी में खरीदने के बाद भी मैं कहूँगा कि टेस्ला इज नो लेस। आपको एक नॉर्मल प्रीमियम गाड़ी में जितना एक कम्फर्ट चाहिए, जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, टेस्ला गेट्स यू एवरीथिंग 100%। ऐसा नहीं कि कम पैसा थोड़ा लेता है, 50 लाख लेता है तो आपको मिलता नहीं है भाई। 50 लाख में ये आपको 1 करोड़ वाला चीज देते हैं ये लोग, मतलब इतना स्मार्ट। ऐसा एक भी कोई कार का ब्रांड नहीं है जिनका कार इतना स्मार्ट होगा एंड इतना बग फ्री हो। टेस्ला इज आई गेस द ओनली वन सिंगल ब्रांड जिनका टोटल बग फ्री, मतलब कार आप कह सकते हो एक भी बग नहीं है। एंड मैं तो कहता हूँ कि अगर टेस्ला इंडिया आ गई ना, सारे कंपनीज का पैंड गिली कर देगा। उसी में भी द रीजन वाई इंडिया इज नॉट अप्रूविंग टेस्ला, क्योंकि टेस्ला अगर आ गया ना, मैं तो कहता हूँ लोग लोन लेके लोग घर नहीं खरीद गएंगे, टेस्ला खरीदेंगे। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स, मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट कार्स एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स एज वेल। मतलब आप 2-3 करोड़ में आपको जितना स्पीड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ 40 या 50 लाख में वैसा गाड़ी मिल जाएगा। इट जस्ट मतलब ड्राइव सो गुड। मेरा ओनली एक ही रीजन था गोइंग फॉर द Porsche इज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव वन Porsche, नहीं तो मैं कभी भी नहीं खरीदता। नहीं तो टेस्ला इज एक्चुअली द वन फुल पैकेज। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को पैसा भाई स्पेंड करना हो कार्स पे, भाई ओनली एक टेस्ला लो, लाइफ टाइम के लिए चलेगा, और कोई कार में पैसा बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। लड़कियों के लिए तो भाई बेस्ट है, मतलब इसमें सारे मोड्स है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सभी लोगों के लिए भाई जबरदस्त। मैं आई कीप ऑन सेइंग कि आपको मैंने आप देखा होगा कि आप मैंने कभी भी फुल रिव्यू वाला वीडियो नहीं बनाया टेस्ला के लिए, बट यू कैन कंसीडर दिस वीडियो एज द फुल रिव्यू ऑफ ए टेस्ला मॉडल 3। मतलब एवरीथिंग, दिस कार हैज गॉट एवरीथिंग व्हाट यू नीड, कंफर्ट, डिजाइन, स्टाइल, इंटीरियर्स, फीचर्स, जो ऐसा आपको चाहिए। मतलब जस्ट लुक एट दिस, कितना स्वीट लुकिंग कार, स्वीट लुकिंग, ह्यूज स्क्रीन एंड सिंपल। आपको ऑटो पायलट तो भाई जबरदस्त, दो तरफ ऐसा मारो पूरा ऑटो पायलट चलता जाएगा। मैं आपको हाईवे में जाके दिखाऊंगा, यहाँ मैं ऑटो पायलट ऑन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अंदर बाहर होता रहता है, मैं एक बार बाहर जाकर दिखाऊंगा। बट लुक एट द कार मैन, इट जस्ट ड्राइव सो गुड, काम, चार्जिंग, रेंज, सब कुछ फुल ऑन पैकेज है बॉस, फुल ऑन। एंड स्पीड देखो, उड़ के जाएगा पूरा, मतलब इंस्टेंट आप बस एक्सेलरेटर में लगाओगे नहीं, ये इंस्टेंटली 100 तो ऐसे ही चले जाते, ऐसे ही। मतलब इट फील्स मोर लाइक ए BMW S1000 या Lamborghini Huracan की तरह ही आपको फील दे देगा ये कार। एंड ये नेविगेशन मेरे को सबसे बेस्ट लगे, मतलब सच ए स्वीट वॉइस नेविगेशन के लिए। टेस्ला मेरा हुआ करता था मेन जिम का कार, मेरा टेस्ला ही रहता था, बट अभी टेस्ला नहीं रहेगा तो अपना BMW M1000 RR बन जाएगा अपना ये वाला कार। बट लेट मी टेल यू, अभी से मैं जब भी वर्ल्ड में रोड ट्रिप करूंगा, आई विल ऑलवेज लुक फॉर ए टेस्ला ओनली, बिकॉज टेस्ला चलाने के बाद आपको सारे गाड़ी लगते हैं इनकम्प्लीट ही है। अभी से मैं अगर इफ यू आर डूइंग सम ऑफ रोडिंग या फिर बैड रोड्स, देन मी आई विल लुक फॉर ए डिफेंडर और समथिंग लाइक दैट, डिफेंडर इफ जी वैगन। बट इफ आई एम लुकिंग फॉर ए मतलब काम ड्राइव, नाइस कंट्री साइड रोड्स, देन आई विल ऑलवेज सर्च फॉर ए टेस्ला ओनली अपन टेस्ला ही सर्च करेंगे। बस टेस्ला एक बार चलाओगे ना, उसके बाद आप और कोई गाड़ी में जाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड अभी देखो इतना ज्यादा धूप है, बट इसका स्क्रीन देखो कितना ज्यादा ब्राइट है, यू कैन क्रिस्टल क्लियर, आपको नेविगेशन हो गया, ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख गया। इतना खतरनाक धूप में भी स्क्रीन देखो पूरा क्लियर, आपको एक भी ग्लेयर नहीं आएगा स्क्रीन पे। मतलब इतना स्मार्टली ये लोग बनाते हैं ना भाई इम्प्लीमेंटेशन टेस्ला का। मैं तो कहता हूँ कि सारे कार्स एक तरफ एंड टेस्ला का इम्प्लीमेंटेशन एक तरफ,
एक भी आप एरर निकाल दो मान जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए सिंगल एरर, क्योंकि ये लोग इतना सोच के बनाए हैं। छोटे से छोटा चीज, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो गया, मतलब ओवर स्पीडिंग हो गया, सामने कलिजन वार्निंग हो गया, सारा चीज परफेक्ट, मतलब पूरा स्नाइपर शॉट की तरह परफेक्ट इम्प्लीमेंट। चलो अभी अपन आ चुके हैं मेन रोड पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो पायलट कैसे होगा। अभी देखो चल रहा है 103, ओनली इसको दो मारूंगा, ये देखो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है अपना ऑटो पायलट, ये ऑटोमेटिकली भी चलता जाएगा। यहाँ से अगर मेरे को स्पीड बढ़ाना है ओनली यहाँ पे करो तो स्पीड अप अप अप, यहाँ स्पीड लिमिट है 100, तो मेरे को 110 के अंदर रहना है। इसको नीचे करो तो स्पीड नीचे 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 जाता रहेगा। एंड ये पूरा ऑटोमेटिक है, पूरा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, मेरे देखो कहीं भी मैं छू नहीं रहा हूँ, पैर भी नहीं छू रहा हूँ, हाथ भी नहीं छू रहा हूँ, कुछ भी मैं नहीं छू रहा हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहा है। एंड जैसे ही आगे वाला गाड़ी स्लो होगा ये भी ऑटोमेटिकली स्लो होगा, आगे वाला गाड़ी स्पीड होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड। अभी देखो इंडिकेटर में दूंगा तो ऑटोमेटिकली लेन चेंज हो जाएगा, लेन चेंज देखो हुआ परफेक्ट लेन चेंज ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप इंडिकेटर लगाओगे देखो ये चेंज, लेन चेंज होता ही नहीं, इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ। एंड लेन चेंज होने के बाद इजी वाला कैमरा भी ऑफ, जैसे इंडिकेटर मारोगे जिस तरफ इंडिकेटर मारोगे उस तरफ वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। देखो अभी मैं इस तरफ वाला इंडिकेटर लगाऊंगा तो देखो इस तरफ वाला कैमरा ऑन हो गया, एंड अगर इस तरफ वाला इंडिकेटर लगाऊंगा देखो इस तरफ वाला कैमरा ऑन हो गया। सच ए स्वीट इंप्लीमेंटेशन है। जैसे ही ये बंद होगा थोड़ी देर में आपको ऐसा वार्निंग्स आएगा, आपको बस खाली ऐसे एक बार छू देना है तो ऑटो पायलट फिर से फुल एक्टिव। अभी 1.2 किलोमीटर तक पूरा नेविगेशन, ये मैप भी देखो पूरा परफेक्ट, मतलब आपको जैसे जैसे चाहिए ऑटो पायलट एक बार ऑन करो तो भाई और कुछ देखने का जरूरत ही है, बस चलता ही जाएगा। चलो हेलो, हम पहुंच गए हैं अपना BMW शोरूम, दिस वाज द लास्ट राइड, सो एक बार लास्ट बाहर देख लेते अपना टेस्ला को। आई एम रियली गोइंग टू मिस इट क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट कार इन दुबई में, दुबई आने के बाद दिस वाज माय फर्स्ट कार एंड आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। सो अभी ये जा रहा है, मैंने खरीदा था कितना में, ये सारा चीज कोई आपको डिटेल्स में बताता नहीं है एक्सेप्ट मी। आपको ओनली एक ही यूट्यूबर भाई साहब मिलेंगे जो आपको सारे प्राइस सच सच, सारे लोग क्या करते हैं प्राइस को ही छिपाते हैं, मैं तो प्राइस खरीदने के नहीं बेचने के सारा चीज़ मैं मतलब खुल्लम खुला बोलता हूँ। मेरे को तो ऐसा होता है जब भी मेरे को सेल करना रहता है, मेरे को जितने भी डीलर्स रहते हैं जो मेरे से गाड़ी खरीदते हैं बाइक हो या कार, वो कहते हैं सो भाई प्लीज़ आप वीडियो में मत बताना कितना मैं बेच रहा हूँ नहीं तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, तो कभी कभी छिपाना पड़ता है क्योंकि मैं जिसको बेचता हूँ उनको भी आगे लेके बेचना पड़ता है। बट यहाँ क्या आपको देख के भी क्या यार, ये तो दुबई तो इंडिया भी नहीं है। तो मैंने इसको खरीदा था आई थिंक समवेयर अराउंड, कितना मैंने खरीदा था 46.5 लैक्स ऐसे कुछ मैंने खरीदा था, एंड अभी आई एम सेलिंग इट फॉर समवेयर अराउंड 40 लैक्स 40,000, मतलब मेरे को 6 लाख का लॉस हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं है। एंड मैंने चलाया कितना, क्लोज टू 15,000 किलोमीटर मैंने चलाया हुआ है, 15,000 किलोमीटर चलाया, टोटल लॉस कितना हुआ, लॉस तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये सारे कार्स में आप जब भी बेचोगे आपको लॉस ही होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन रहता है, तो वही 5-6 लाख का ही लॉस हुआ। 5-6 लाख कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे वो 5-6 लाख जो लॉस हुआ यहाँ से भी जो भी पैसा मिलेगा बेचने के बाद उसको सीधा लेंगे, अपना है अपना जो ट्रिक जिसमें अपन डालते हैं वहाँ डाल देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको 3 या 4 डबल उसको कंपाउंडिंग कर दिया जाएगा, उसके बाद जाके आराम से वहाँ से निकाल देंगे एंड वी विल गो एड एंड इन्वेस्ट, दैट इज़ व्हाट द प्लान इज। सो अभी दिस वॉज द फाइनल ड्राइव ऑफ आवर टेस्ला मॉडल 3 लॉन्ग रेंज, एंड एक बार लास्ट बार के लिए अपना कार को एक बार देख लेते हैं। जस्ट ए स्वीट लुकिंग कार, लवली, इट लुक्स जस्ट सो गुड, साइज वाइज सब कुछ देखो पूरा परफेक्ट, एक फैमिली कार, आगे पीछे हर जगह इतना स्पेस। ये पूरा वाइट इंटीरियर में कैसे दिखता है, ह्यूज स्क्रीन, लवली इंटीरियर्स, यहाँ भी पूरा परफेक्ट स्पेस। एंड ये एक्चुअली माई वाइफ एंड सन एक्चुअली एंजॉयज टू ड्राइव इन द टेस्ला मोर देन द कोर्सा, क्योंकि ये क्या है कि एक फैमिली कार की तरह है, क्योंकि कोर्सा इज अ कम्प्लीटली स्पोर्ट्स कार, उसमें बहुत अनकम्फर्टेबल अगर पीछे कोई बैठता है, एंड इसके आगे में भी स्पेस है, यहाँ भी अपन सामान रखते हैं, पीछे भी पास सामान रखते हैं। एंड ये अपना है जो अपना लगा हुआ है सालिक, इसको मेरे को निकालना पड़ेगा नहीं तो भाई गाड़ी जो भी लेगा मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। सो काम खत्म, पैसा हजम, टेस्ला इज गोइंग, दिस वॉज द लास्ट राइड। सो अभी फाइनली वी हैव वन सिंगल कार। मैंने एक गलती किया, मैं जब पोर्शा टाइकन को जब मैं पेमेंट करने गया था वो लोग कह रहे थे कि आप अपना टेस्ला को हमें दे दो, वी विल पे यू 45 लाख या 46 लाख ऐसा कुछ बोल रहे थे, बट मैंने उन्हें दिया नहीं, मैं बोला कि नहीं मैं और थोड़ा वेट करूंगा, मेरे को 10-15 दिन तक मेरे पास गाड़ी नहीं रहेगा, तब मैं वाइफ फर्स्ट टेलिंग भाई कार दे दे तो ऊबर में 5-6 दिन चला देंगे, बट अगर तब मैं दे देता ये 6 लाख का लॉस भी नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट में एक्चुअली बेचते हैं हम, बट चलेगा ठीक है, गाड़ी का रहना था तो रह गया। तो अभी दिसंबर खत्म हो गया, क्लोज टू 4 महीना गाड़ी ऐसे भी पड़ा हो के था, जब से टाइकन है इसको मैंने कितना चलाया, हार्डली मे भी 400-500 किलोमीटर से मैंने चलाया, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, यहाँ दुबई में टाइम नहीं होता, फिर ज़्यादा गाड़ी रखने कोई फायदा नहीं है। एनीवेज चलते हैं, अभी BMW शोरूम वालों को कार दे देंगे, चाबी भी दे देंगे, नेम ट्रांसफर एंड पैसा पेमेंट सब ये वीक में आगे खत्म करेंगे। चलो भाई लोग अपना कार चला जा चुका है, गुड बाइज हो गया है, अभी मेरे को ऊबर बुक करके घर जाना पड़ेंगे, जॉब डन फाइनली। अभी वी जस्ट हैव टू वेट फॉर 1000 डबल आर एंड
दिस वॉज अवर लास्ट राइड, वी आर चेकिंग आवर कार फॉर द लास्ट टाइम, नेम ट्रांसफर ट्रांसफर सब कुछ यहाँ ऑन द फ्लाई ही हो जाता है. गुड बॉयज, गुड बॉयज, जस्ट लुक सो गुड मैन. सो अभी इनका जो सिस्टम रहता है बाय एंड सेल का, इट्स वेरी इजी. मैं सीधा आया, इनको कीज़ दे दिया, वो उन्होंने सीधा क्या किया, गूगल में चेक कर लिया कि मेरे कार पे कोई फाइन वाइन तो नहीं है. फाइन नहीं था तो सीधा उन्होंने कहा कि ठीक है पैसा लो और फुटो यहाँ से, काम खत्म, पैसा हजम. नेम ट्रांसफर वो खुद कर लेंगे, ओनली एक पेपर मेरे को साइन करना पड़ता है और सब कुछ ऑटोमेटिकल होता है. मतलब ब्यूटी ऑफ लिविंग इन दुबई, सब कुछ भाई बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, सब कुछ इंस्टेंटली हो जाता है. पैसा दिए मतलब काम इमीडिएट, बस पैसा बहुत लग जाता है बट पैसा दिए मतलब काम इमीडिएट हो जाता है. ऊबर हो चुका है बुक, अभी आ जाना चाहिए, फिर निकलेंगे घर. अभी मेरे को यहाँ से कार से वो क्या करेंगे, जैसे ही नेम ट्रांसफर कल करेंगे मेरा दो चीज़ निकल जाएगा, गाड़ी में जो रहता है अपना जो फाइन वाइन लगता है वो वाला निकल जाएगा और मेरे नाम से वो फाइन वाइन नहीं आएगा. एंड उसके बाद अपना जो सालिक जो टोल वो चीज़ भी निकल जाएगी, ये दो निकल जाएगा तो अपना काम फिनिश. ना सालिक लगने वाला है, ना फाइन लगने वाला है, ना मेरे नाम पे लगने वाला है. इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब कुछ उनके नाम से ट्रांसफर, जॉब डन. इट्स सो इजी एंड कन्वीनियंट. वन ऐसा इजी हो गया तो भाई हम तो हर दो तीन महीने में कार बाइक खरीदेंगे बेचेंगे भाई. इट्स जस्ट मेकिंग द प्रोसेस सो इजी.